आम चुनाव भले ही अगले साल अप्रैल मई में हो, लेकिन बीजेपी की चुनावी तैयारियां और प्रबंधन का कार्यक्रम आकार लेने लगा है। इसी के मद्देनजर बीजेपी के अगले हफ्ते 16 से 17 जनवरी को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद संगठनात्मक और चुनावी प्रबंधन को लेकर अहम बदलाव हो सकते हैं। इस बदलाव से केंद्र और राज्य के कई नेता प्रभावित हो सकते हैं, जिन्हें नई चुनावी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जानकारी ये मिल रही है कि लोकसभा सांसदों को चुनावी तैयारियों के लिए वक्त मिल सके, इसके लिए राज्यसभा सांसदों को चुनावी प्रबंधन से जुड़ी जिम्मेदारियों से जोड़ा जा सकता है। बताया जा रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भावी चुनाव केंद्र में रहेंगे। इसमें इस साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल के लोकसभा चुनाव के साथ साथ होने वाले कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव भी शामिल हैं। वहीं जिन राज्यों में कोई चुनाव नहीं है, वहां पर पूरी तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियां ही की जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी अपने राज्यसभा के कई प्रमुख नेताओं को लोकसभा चुनाव के प्रबंधन से जुड़ी अहम जिम्मेदारियां सौंप सकती है। इसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल का नाम शामिल बताया जा रहा है। इन नेताओं को सरकार के साथ संगठन में काम करने और चुनावी प्रबंधन का अच्छा खासा अनुभव भी है। इसके अलावा राज्यसभा से आने वाले लगभग दर्जन भर अन्य प्रमुख नेताओं को भी चुनावी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। इतना ही नहीं, लोकसभा सांसद और सरकार में एक से ज्यादा विभाग संभाल रहे कुछ नेताओं के चुनावी दायित्व कम किए जा सकते हैं, ताकि वो अपने चुनाव की भी तैयारी बेहतर ढंग से कर सके। गौरतलब है कि पार्टी लगभग 160 ऐसी लोकसभा सीटों पर खास तौर पर ध्यान केंद्रित कर रही है जहां वो पिछली बार हारी थी या जो उसकी कमजोरी रहे थे। ऐसी कई सीटों पर काम कर रहे लोकसभा सांसद मंत्रियों का भी बोझ कुछ कम किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।